हम उसकी मुखालफत करते हैं इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। मुल्क टूट चुका है 70 साल पहले फिरका परस्ती की बुनियाद पर। अगर फिरका परस्ती फिर जन्म लेगी मुल्क फिर टूटेगा। हम अपने इस मुल्क की हिफाजत चाहते हैं। अरे मैं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान के कानून को बचाना है, अगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो बीजेपी को ना आने दो, धकेलो धकेलो धकेलो। अगर हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी आएगी तो ये मुल्क जमीयते उलमा 70 सालों से ये बात कहती चली आ रही है कि जमीयते उलमा कोई सियासी जमात नहीं है, जमीयते उलमा सिर्फ और सिर्फ खालिस मदारी जमात है। वेरी गुड। जमीयते उलमा का हमेशा से ये किरदार इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। वहां जाकर देखो दंगला मुसलमानों को, वहां बंगाल में जब सैलाब आया जमीयत ए उलमा वहां पहुंची है। जमीयत ए उलमा ने किसी से उसका मतलब मालूम करके उसकी इमदाद नहीं की है, बल्कि जमीयत ए उलमा ने इंसानियत की बुनियाद पर इमदाद की है। जमीयत ए उलमा मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसमें हिंदू भी है, हिंदुओं के भी मुकदमात लड़ रही है। जमीयत ए उलमा हिंदुओं को भी इंसाफ दिलाने वाली जमात है। जमीयत ए उलमा मुसलमानों को भी इंसाफ दिलाने वाली जमात है। अरे जमीयत ए उलमा इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। अरे लोग कहते हैं जमीयत ए उलमा सियासी जमात है। नहीं, जमीयत ए उलमा मदारी जमात है। अरे लोग कहते हैं ये कुर्सी के तलबगार है, हमें तो एक खाली पदाली का भी लालच नहीं है, हमें तो एक कस्बे की चेयरमैन की कुर्सी भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं।